उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों धर्मेंद्र सिंह सैंथवार और निर्मला पासवान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लखनऊ में बीजेपी के दोनों एमएलसी प्रत्याशी नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचे। बीजेपी विधायक पंकज सिंह समेत तमाम नेता बीजेपी कार्यालय पहले ही पहुँच गए थे। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दया शंकर सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं आदिवासी समाज से आने वाली समाजवादी पार्टी की महिला कैंडिडेट कीर्ति कौल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। और नीचे सपा ने महिला प्रत्याशी उतारा है, मुझे जानकारी भी नहीं है और न जानकारी रखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीत चुके हैं और जीते हुए हैं। पिछड़े वर्ग से महिला आती है, क्या कहना चाहेंगी, क्या पिछड़े वर्ग की राजनीति चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, 2024 के चुनाव को देखते हुए क्या कास्ट फैक्टर का ध्यान रखा गया है, जिस तरह से ओबीसी को, एससीएसटी को, वहाँ पे, और वो भी खास करके पूर्वांचल में, पूर्वांचल से आप लोग को दोनों को लेके आएगा? देखिए, आज 2024 सब आएगा ना, लेकिन हमारा नारा 2014 से है सबका साथ सबका विकास, सभी जातियों का समीकरण करके चलना। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर काम करते हैं और इसलिए सभी वर्गों को लेकर के बिना किसी भेदभाव के एक काम नहीं करते हैं, और इसलिए उसमें एक कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता का भी चयन हो सकता है और हर दृष्टि से ये पार्टी इसको लेकर के काम करती है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें निचली इकाई पर काम करने वाला अच्छा कोई कार्यकर्ता है वो सर्वोच्च पद पर भी जा सकता है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और किसी दल में नहीं हो सकता। महिला को समाजवादी पार्टी ने उतारा है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा उससे? देखिए, मैं मानता हूँ ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब देश के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू जी को, एक आदिवासी महिला को उतारा था, तो इसी पार्टी ने विरोध किया था। ये दोहरा चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम रहे हों, चाहे वो रामनाथ कोविंद जी रहे हों, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी रहे हैं, इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। यहाँ पर खुद खड़े हैं जो प्रत्याशी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और लंबे समय से आपने क्षेत्रीय संगठन में काम किया है, धर्मेंद्र जी बहुत लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं और दोनों की विजय भी निश्चित है। ये तो जो हमेशा से लोगों के मन में एक भ्रम पैदा करना, बरगलाना, झूठ के सहारे राजनीति करना, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने वही कोशिश की, वरना तो संगठन में एक साधारण परिवार से आकर काम करने वाले हमारे साथ निर्मला पासवान जी और धर्मेंद्र जी, ये दोनों लोग पार्टी ने इनको दिया है, बाकी हमारे और दोनों की जीत भी निश्चित है। क्या जाति समीकरण को संभालने के लिए? अब देखिए, वो उनके तो राजनीति का आधार ही सिर्फ और सिर्फ यही रहा है, लेकिन अगर उस आधार पर भी देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी के साथ, एक सर्वस्पर्शी पार्टी, सर्वग्राही पार्टी, एक संगठन हमारा है और सबको जोड़कर सबको आगे बढ़ाने की एक संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़े हैं और यही कोशिश है हम लोगों। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है, इसके लिए 11 अगस्त को वोट डाले जाएंगे।